अखिलेश की राजनीति में ब्राह्मणों को जब मिली अहमियत, योगी और केशव को क्यों आने लगा पसीना। बीजेपी हैरान, योगी टेंशन में और केशव परेशान हैं। अखिलेश की राजनीति में दूरदर्शिता को देखकर सदमे में आ गए। ब्राह्मणों को साथ लेकर अखिलेश के नेक्स्ट लेवल की राजनीति रफ्तार पर। अखिलेश के इस चाल को बीजेपी भांप नहीं पाई। लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद से समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद हैं। पीडीएफ फॉर्मूले से मिली सफलता के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इन दिनों ब्राह्मण समुदाय पर खास फोकस कर रखा है। माता प्रसाद पांडे को विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष बनाने से लेकर हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा का मुद्दा अखिलेश ने उठाया और छोटे लोहिया के नाम से मशहूर जनेश्वर मिश्र की जयंती को सपा ने जिला स्तर पर इस बार मनाया है। अखिलेश यादव और सपा ऐसे ब्राह्मण कार्ड का दाव नहीं चल रही, बल्कि उपचुनाव के समीकरण को साधने के लिए सियासी बिसात बिछाने में जुटी है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिनमें से 9 सीटें विधायकों के सांसद चुने जाने के चलते खाली हुई। एक सीट सपा के विधायक इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा हो जाने के चलते रिक्त हुई है। ये सीट करहल, सीसामऊ, फूलपुर, गाजियाबाद, मझवा, खैर, मीरापुर, कुंदर की, मिल्कीपुर और कटहरी हैं। इन 10 सीटों में से 5 सीटें सपा कोटे से खाली हुई हैं, तो 3 सीटें बीजेपी के विधायकों के इस्तीफे से रिक्त हुई। इसके अलावा एक सीट आरएलडी विधायक के सांसद चुने जाने और एक सीट निषाद पार्टी के विधायक के बीजेपी से सांसद बन जाने के चलते खाली हुई। अब इन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। यूपी की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसमें से 6 सीटों पर ब्राह्मण समुदाय के मतदाता अहम भूमिका में हैं। कटहरी, फूलपुर, मझवा, सीसामऊ, गाजियाबाद और खैर विधानसभा सीट पर ब्राह्मण वोटर 35,000 से 60,000 तक हैं। सूबे में होने वाले 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव को 2027 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इसके चलते सपा ने ब्राह्मण वोटों को साधकर अपने पीडीएफ फॉर्मूले को विस्तार देने की स्ट्रेटजी बनाई, ताकि उपचुनाव में ब्राह्मण प्रभाव वाली सीट पर कोई सियासी अड़चन ना आ सके। विधानसभा उपचुनाव में सपा ने ब्राह्मण कार्ड खेलकर एक नया दांव चला है। कानपुर की सीसामऊ सीट पर 55,000 ब्राह्मण वोटर हैं। मझवा सीट पर करीब 60,000 से ज्यादा ब्राह्मण हैं। कटेहरी में ब्राह्मण वोटर 50,000 से ज्यादा हैं। फूलपुर में 35,000 ब्राह्मण, गाजियाबाद में ब्राह्मण वोटर करीब 30,000 से 40,000 के बीच हैं। खैर विधानसभा सीट पर ब्राह्मण वोटर 35,000 से 60,000 हैं। मिल्कीपुर में भी अच्छी खासी संख्या है। ऐसे में सपा ने सियासी प्रयोग के तौर पर ब्राह्मणों को अपनाने का निर्णय लिया है। उपचुनाव में ब्राह्मण दांव अगर सफल रहता है तो फिर 2027 तक सपा खुलकर खेलेगी। इसीलिए अखिलेश यादव अब सपा की सियासी पिच पर ब्राह्मणों को साधने की कवायद में हैं। ब्राह्मण बहुल सीटों पर 2024 के चुनाव में मिली सफलता के बाद सपा की उम्मीद जगी है।